हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अविनाश पांडे और आप सभी का पांडे यूट्यूबर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गूगल एडसेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारा फाइनली गूगल एडसेंस जो वेरिफिकेशन पिन होता है वो हमारा आ गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम आप लोग को दिखाते हैं इसको ओपन करके। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा गूगल वेरिफिकेशन कोड है, गूगल एडसेंस की तरफ से आया है। तो ये देखिए दोस्तों, दो यहाँ पे आया हुआ है। और चलिए, एक हमारा जो पिन था वो काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने रीसेंड करने के लिए पिन को बोला था, तो उन्होंने हमें दूसरा पिन सेंड किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम ओपन करके आप लोग को दिखाते हैं कि ये इसके अंदर क्या रहता है। और ये दोस्तों, आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमारा काफ़ी दिन बाद गूगल एडसेंस का वेरिफिकेशन कोड जो है वो आ गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको जल्दी से फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको हम लोग सबसे पहले जो पहला वाला हमारा गूगल एडसेंस है उसको ओपन करके हम दिखाते हैं। तो इसको देखिए, साइड से यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको कट करेंगे। इसको हम इधर से भी ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों कि क्या है। तो जनरली दोस्तों, इसके अंदर जो है हमारा गूगल एडसेंस का पिन होता है दोस्तों, ये 6 अंकों का होता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हम लोग का जो फर्स्ट वाला था वो वाला हम लोग का काफ़ी लेट हो गया था आने में, इसलिए हम लोग ने रीसेंट का ऑप्शन अप्लाई किया था, जिसके वजह से हमारा सेकंड पिन आया है। तो दोस्तों, यही जो सेकंड पिन है वही हमारा वर्क करेगा। तो इसको चलिए दोस्तों, हम लोग जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी जो है 6 अंकों का पिन होने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये देखिए 6 अंकों का हमारा पिन है, ये देखिए। और यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि हमें गूगल एडसेंस में किस तरह से अपने पिन को डालना हो। तो देखिए दोस्तों, स्टेप वन जो है वहाँ पे हमें www.google.com एडसेंस हमें सर्च करना पड़ेगा। तो स्टेप टू में सेटिंग आएगा, सेटिंग में पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। और स्टेप थ्री है, उसमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन, देन क्लिक वेरीफाई एड्रेस। और उसके बाद स्टेप फोर जो है, हमें अपना 6 अंकों का पिन जो है उसमें इंटर करके सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा गूगल एडसेंस का पिन है फाइनली। और इसमें भी देख लेते हैं फर्स्ट वाले में कि यही है या फिर अलग है। तो दोस्तों, इसमें भी देखिए सेम ही है, दोनों में दोस्तों सेम ही आया हुआ है, दोनों में देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, पिन सेम है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग अब आगे इसको सबमिट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरह से सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम अपना गूगल एडसेंस जो है उसको ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा गूगल एडसेंस जो है ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, वेरीफाई का एक ऑप्शन आया हुआ है, वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस। तो इसमें हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों, हमारा 6 अंकों का पिन मांग रहा है, तो यहाँ पे चलिए हम अपना 6 अंकों का पिन डाल देते हैं, 8329 1414। और इसे हम सबमिट कर देते हैं दोस्तों। देखिए, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफर्म हो गया, करेक्ट हो गया, पिन करेक्ट है, योर बिलिंग एड्रेस हैज़ बिन वेरीफाइड। तो दोस्तों, ये देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब जो भी हम लोग की पेमेंट जब भी $100 हो जाएगी दोस्तों, तो वो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो दोस्तों, ये एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, ये बात हो गई हमारे गूगल एडसेंस के बारे में। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस जो गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन पिन है, इसको यहाँ पे आने में क्या वक्त लगा और मुझे किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहले बात करें, तो मैं यहाँ पे विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसको अप्लाई किया था अक्टूबर मंथ में, और उसके बाद करीब 4 सप्ताह बाद इनका रूल रहता है कि 4 सप्ताह में इनका वेरिफिकेशन कोड जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। पर दोस्तों, 4 महीने या 4 सप्ताह यहाँ पे बीत गए और मेरा गूगल एडसेंस पिन नहीं आया। तो मैंने वहाँ पे जाके रिसेंट का ऑप्शन जो था उस पर क्लिक किया, तो दोस्तों इन्होंने मुझे दूसरी बार गूगल वेरीफिकेशन कोड दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमारे जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से फर्स्ट वाला गूगल एडसेंस वेरीफिकेशन कोड जो है वो यहाँ पर उन्होंने पहुँचाया ही नहीं था। तो दोस्तों, जब
दूसरी बार हमने रिसेंट का ऑप्शन पे क्लिक किया, तो फिर जब वो दोबारा से पोस्ट ऑफिस में गया तो उन्होंने दोनों साथ में लेके आया। तो जो पहले वाला था वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो मैंने देखा दोस्तों, तो मुझे यही समझ में आया कि उन्होंने ये पोस्ट ऑफिस वालों ने मुझे सेंड नहीं किया था। तो दोस्तों ये सब प्रॉब्लम होती रहती है, तो इसके सॉल्व करने के लिए दोस्तों अगर आप अपना वेरिफिकेशन कोड जो है के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों अगर 4 सप्ताह में अगर आपका गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है तो आप संपर्क कर सकते हैं बगल के पोस्ट ऑफिस से, वहाँ पे जाके आप पता लगाएंगे तो आपका वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगा गूगल वेरिफिकेशन कोड अगर आया होगा वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में यही था दोस्त। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो ये वीडियो था गूगल एडसेंस पे था, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भी भूलें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।